विवान पक्षियों के लिए जो कल्पतरु संस्थान द्वारा परिक्रमाण के लिए और पक्षियों के लिए दाने और पानी की जो व्यवस्था की जा रही है ये काफ़ी सराहनीय है। मैं कल्पतरु संस्थान के व उनके समस्त कार्यकर्ताओं के भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार वो वन्य जीवों की, पक्षियों की और पेड़ पौधों की रक्षा व संरक्षण करते रहें। ये मनुष्य के कहाँ रह रहा है वहाँ की साफ सफाई और वहाँ की जो अच्छा वातावरण है उससे के मनुष्य को पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमारे कानों के अंदर जो है वैसे भी कबाड़ इतना ज़्यादा भरा रहता है, जब सुधा वाहन है, जब सुधा रिकॉर्ड है, जब सुधा तो एक पॉजिटिव एटमोसफियर यहाँ वैसे ही क्रिएट रहता है। तो उसमें साफ सफाई हो, कुछ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, कुछ वन्य जीव हो, नहीं तो पक्षियों की वहाँ आवागमन रहे, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है और पॉजिटिव एनर्जी से यहाँ रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और यहाँ जो है आने जाने वाले आगंतुक हैं उनको भी एक अच्छा माहौल मिलता है। हमारा जो प्रारंभिक जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम जो बच्चे होते थे स्कूल के अंदर जो फिफ्थ क्लास से ही हमारे जो है पर्यावरण शिक्षा के नाम से और SCPW के नाम से कुछ पर्यावरण संरक्षण की बातें कही जाती थी और हम लोगों को एक प्रैक्टिकली एक पेड़ पौधा लगाने का हमें एक टास्क दिया जाता था। उस दौरान हम लोगों को ये पेड़ पौधे लगाने का जो है माहौल मिला था और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते रहे हैं। आगे बाद में भी सर्विस माने से पहले भी कॉलेज में भी, स्कूल में भी और सामाजिक कार्यों में भी जब भी जहाँ जाते हैं तो हम वृक्षारोपण का कोई कार्यक्रम होता है